भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और विवाद एक दूसरे के साथ फेविकोल के जोड़ की तरह चिपके रहते हैं। खेसारी लाल यादव कुछ कहते नहीं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भूकंप आ जाता है, बवाल मच जाता है और फिर कंट्रोवर्सी ऐसी शुरू होती है कि बंद होने का नाम नहीं लेती। अब कंट्रोवर्सी हुई है खेसारी लाल यादव और विनय बिहारी के बीच। जी हाँ, विनय बिहारी को तो आप जानते हैं भोजपुरी के फेमस म्यूजिक कंपोजर के रूप में, गीतकार है और म्यूजिक भी बेजोड़ देते हैं। खैर, वो सारी बातें बाद में होती रहेंगी, लेकिन इस वक्त बात होगी तो सिर्फ खेसारी के कंट्रोवर्सी की। तो चलिए हम बताते हैं कि इस कंट्रोवर्सी ने अब क्या नया मोड़ लिया है। कंट्रोवर्सी ने ये नया मोड़ लिया है कि खेसारी लाल यादव ने 3 टावर वाला जो बयान दिया था वो विनय बिहारी को बड़ा नागवार गुजरा। उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में खेसारी की जमकर बुराई की, उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई। उसके बाद खेसारी लाल यादव लाइव आए और विनय बिहारी के बारे में खूब बोला, उनकी तो पुरानी से पुरानी बातें उखाड़ डाली। और अब सुनिए खेसारी लाल यादव क्या कहते हैं। विनय बिहारी ने खेसारी लाल यादव को गीत चोर कहा तो खेसारी लाल यादव ने भी विनय बिहारी पर ये इल्जाम खुद ही मढ़ दिया। खेसारी लाल यादव ने भी विनय बिहारी पे अश्लीलता का आरोप लगाया, जो कि अश्लीलता का आरोप विनय बिहारी ने खेसारी लाल यादव पर भी लगाया था। वो सब तो ठीक था, लेकिन अब खेसारी लाल यादव ने कई नई बातों का खुलासा किया है। अगर खेसारी लाल यादव की माने तो विनय बिहारी ने उन्हें अपने यहाँ बुलाकर गाना भी गवाया और उसके आज तक पैसे नहीं दिए हैं। खेसारी लाल यादव का साफ साफ कहना है, अगर आपको मुझमें अश्लीलता दिखाई देती है तो तब मेरी अश्लीलता आपको क्यों नहीं दिखाई दी जब आपने अपने यहाँ मुझे बुलाकर गाना गवाया था। खैर, ये सब बातें तो कहीं न कहीं खेसारी लाल यादव की उचित लगती है। जब विनय बिहारी ने खेसारी लाल यादव का नाम न लेते हुए ये कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मनोज को मनोज जी कहा जाता है, रवि किशन को रवि किशन जी कहा जाता है, लेकिन आज के सुपरस्टार्स को सारे लोग नाम लेकर बुलाते हैं, कोई उनकी इज्जत नहीं करता। इस पर भी खेसारी लाल यादव ने विनय बिहारी को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा है कि जी वहाँ लगाया जाता है जहाँ दूरभाषी रिश्ते होते हैं, यानी कि जो रिश्ते दूर के होते हैं उन्हें जी कह के पुकारा जाता है, लेकिन जो नजदीकी रिश्ते होते हैं वहाँ नाम लिया जाता है, उन्हें इज्जत नहीं दी जाती, उन्हें प्यार दिया जाता है और मैं हमेशा प्यार का भूखा हूँ तो प्यार ही पाना चाहूँगा। भाई, ये खेसारी लाल यादव और विनय बिहारी की ये लड़ाई कितनी दूर तक जाएगी अब ये देखना बाकी है, लेकिन इन दोनों की तू तू मैं से ये तो साफ हो गया है कि इन दोनों की लड़ाई इतने जल्दी थमने वाली नहीं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।